हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका विवेक सिंह क्लासेस में। क्लास 11th के मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस वीमी विश्लेषण और यह है पार्ट 5। पार्ट 4 तक प्यारे बच्चों हमने आपको ये सिखलाया कि आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हो, उनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस क्या हैं, जो कि आप प्रीवियस वीडियो में देख करके समझ लेना। उम्मीद है देखे होंगे, आपको समझ में आया होगा, लेकिन हाँ उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अब हम लोग एक और यूज पढ़ने चल रहे हैं कि आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले को देख करके उसका यूनिट कैसे लिखोगे। अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला पता है तो यूनिट किस तरह से लिखते हो, बड़ा सिंपल सा यूज है। आप सब जानते हो बच्चों कि आपके पास जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो कुछ सिंबल उसमें यूज होते हैं। एम यूज होता है, टी यूज होता है, एल यूज होता है, थीटा यूज होता है, ए यूज होता है, जो कि किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को बताते हैं। जैसे यम मास को बताता है, टी टाइम को बताता है, एल लेंथ को बताता है, थीटा टेम्परेचर को बताता है और ए इलेक्ट्रिक करंट को बताता है। तो जब आपको ये पता है कि ये किस किस फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप इनके यूनिट को भी तो जानते हो। एम अगर मास को रिप्रेजेंट करता है तो इसका यूनिट किलोग्राम, टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है तो इसका यूनिट सेकेंड, एल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर एम के एस सिस्टम में, थीटा टेम्परेचर के लिए है तो इसका यूनिट हो जाएगा केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का तो आप जानते ही होंगे कि उसका यूनिट होता है एम्पियर। तो सिंबल देख करके हम यूनिट लिख सकते हैं ना। तो अगर हमको कोई डायमेंशनल फार्मूला दे दे, मान लो एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला है, तो इसके हेल्प से हम इसका यूनिट कैसे लिखेंगे। अब देखो इसमें यम है, एल है, टी है, तो यम मास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसकी जगह पर हम किलोग्राम लिख देंगे, एल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो उसकी जगह पर हम मीटर लिख देंगे, और टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी जगह पर हम सेकेंड लिख देंगे, यूनिट हो गया। तो हो जाएगा मास के लिए किलोग्राम यूनिट है, लेंथ के लिए मीटर यूनिट है, तो मीटर स्क्वायर चूंकि लेंथ का स्क्वायर है, टी सेकेंड टू द पावर माइनस टू हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और एग्जांपल देखो, बड़ा आसान सा है। मान लो आपके पास है एम एल पावर माइनस थ्री किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला है, तो आप इससे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करोगे या इसकी हेल्प से आप यूनिट कैसे लिखोगे। तो मास किलोग्राम, एल लेंथ है मीटर, मीटर टू द पावर माइनस थ्री यानी कि हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बच्चों इसका रिवर्स भी किया जा सकता है। रिवर्स करने का मतलब, अगर आपको यूनिट पता है ना तो आप डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हो। जैसे मान लो आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पता है किलोग्राम मीटर सेकेंड टू द पावर माइनस टू, तो इससे यूनिट कैसे लिखोगे। किलोग्राम मास के लिए है तो एम, मीटर लेंथ सेकेंड, टी सेकेंड का पावर माइनस टू है तो टी का पावर माइनस टू, इनको एक साथ एक ब्रैकेट में आप लिख लेना तो हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। तो आप यूनिट देख करके डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हो, डायमेंशनल फार्मूला देख करके यूनिट लिख सकते हो। ये यूज नंबर 4 हो गया। प्यारे बच्चों जितना आपको पढ़ना था डायमेंशनल एनालिसिस में वो पूरा हो गया। बच्चों हर सिद्धांत का, हर प्रिंसिपल का कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है। कोई भी सिद्धांत हमेशा हर परिस्थिति में सही नहीं होता है, ठीक। तो इसके भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? अगर आप फार्मूलों का डेरिवेशन करना जानते होगे कि डायमेंशनल फार्मूले का हेल्प लेते हुए कैसे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का सूत्र निकालते हैं, तो आप जानते हो कोई फिजिकल क्वांटिटी, मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है वाई और ये डिपेंड करता है L, M, N पर, तो आपको याद आ रहा होगा इसके ऊपर पावर लिखते हैं और अगले स्टेप में हम इक्वल टू K यूज करते हैं, ठीक है। K जहां पर डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका लिमिटेशन क्या है इस सिस्टम का, कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे Y का आप समीकरण निकालना चाहते हो, Y के लिए फार्मूला निकालना चाहते हो, तो ये तीन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। अगर तीन से ज़्यादा पर डिपेंड करता तो आप एक्सप्रेशन, आप फार्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी कि इसकी सहायता से तभी हम फार्मूला कैलकुलेट कर पाएंगे जो फिजिकल क्वांटिटी तीन से
कम फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। अगर 3 फिजिकल क्वांटिटी से अधिक पर डिपेंड करेगा तो आप इस मेथड से फार्मूले का डेरिवेशन नहीं कर पाओगे, ये मेथड फेल हो जाएगा। सेकंड जो लिमिटेशन है बच्चों, वो ये इस के की वैल्यू, इस के की वैल्यू हम इस मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इस मेथड से इस के की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक, आपने देखा होगा पिछले वीडियोस में कि अगर हमको फिजिकल क्वांटिटी का पहले से ही सूत्र पता है तभी हम के की वैल्यू रखते हैं, के की वैल्यू पता लगा पाते हैं, अदरवाइज हम के की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। थर्ड लिमिटेशन ये है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक पर डिपेंड करता हो, लॉग पर डिपेंड करता हो, ई टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स पर डिपेंड करता हो, तो इस मेथड की सहायता से हम ऐसे फिजिकल क्वांटिटी के लिए फार्मूले कैलकुलेट नहीं कर सकते, फार्मूले का डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में प्लस माइनस का सिंबल यूज किया गया है तो भी ये मेथड फेल हो जाता है। जैसे अगर कोई कहे कि डायमेंशनल एनालिसिस से आप ये एक्सप्रेशन, ये सूत्र कैलकुलेट करो, लास्ट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, त्वरण एक्सेलरेशन पर डिपेंड करती है और टाइम पर डिपेंड करती है, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए फार्मूला निकालो, तो ये मेथड फेल हो जाएगा। ये मेथड इनटू और डिवीजन पर ही सक्सेस है, प्लस और माइनस सिंबल है तो ये मेथड फेल हो जाता है। अगर बच्चों आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट किया होगा, और उम्मीद है कि जरूर करे होंगे, तो आप ऐसा भी पाए होंगे कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आपको जरूर मिली होंगी जिसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं आया होगा। जैसे मान लो आप अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक का डायमेंशनल फार्मूला लिखो, तो अपवर्तनांक का फार्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बाई माध्यम में प्रकाश की चाल, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे यन या म्यू दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला है सी बाई वी। तो अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो सी वेलोसिटी है जिसके लिए हो जाएगा एल टी पावर माइनस वन, वी भी तो वेलोसिटी है, एल टी पावर माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो एल का पावर जीरो, टी का पावर जीरो लिख सकते हो, यानी कि इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। और ऐसे आपको बहुत सारे मिले होंगे। प्यारे बच्चों, जिनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। अब इस यूज को अगर देखा जाए और यहाँ अप्लाई किया जाए, तो हम कह सकते हैं कि जिन फिजिकल क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं होगा उसका यूनिट भी नहीं होगा, यानी कि डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी भी होती है। तो ये जो लाइन हम बोल रहे हैं या ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग निकालने चल रहे हैं, ये हमेशा सही नहीं है। प्यारे बच्चों, दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका डायमेंशन तो नहीं है लेकिन तब भी उनके यूनिट्स यूज किए जाते हैं। ठीक, वे दोनों फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से हैं? पहला आप जानते हो कि एंगल है, कोण। ठीक, क्यों ये यूनिटलेस है? क्योंकि आपको पता होगा कि जो कोण होता है वो चाप की लंबाई और त्रिज्या के रेशियो के इक्वल होता है। आर्क का लेंथ, आर्क मतलब चाप, बाय रेडियस, तो चाप एक तरह का लेंथ हो गया, तो आप लिखोगे एल बाय रेडियस भी लेंथ ही तो है, एल बाय एल, यानी कि ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी हो गया। लेकिन आप ये जानते हो कि एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, ठीक? तो आप ये कैसे कह सकते हो कि जिनका डायमेंशन नहीं होगा उनका यूनिट नहीं होगा? मोस्टली सही है, लेकिन ये दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं, दो में से एक आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, जिसका डायमेंशन तो नहीं है लेकिन इसका यूनिट है। ठीक, ऐसे इसी का एक बड़ा भाई भी है। बड़ा भाई कहने का मतलब यह है कि जो एंगल है ना वो 2D डायमेंशन में मेजर किया जाता है, लेकिन एक 3D डायमेंशन में भी एंगल मेजर किया जाता है, जिसे सॉलिड एंगल कहते हैं, घन कोण कहते हैं। तो सॉलिड एंगल भी जो है, सॉलिड एंगल, घन कोण, ये भी डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसका जो यूनिट है वो स्टेरेडियन होता है। ठीक,
स्टेरेडियन। तो ये दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी थे जिनके कोई डायमेंशनल फार्मूले नहीं हैं, ये डायमेंशनल लेस हैं लेकिन यूनिटलेस नहीं है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या ये हमेशा के लिए सही है कि जिन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता है वे फिजिकल क्वांटिटी यूनिटलेस भी होते हैं, आप कहोगे नहीं, दो फिजिकल क्वांटिटी एंगल और सॉलिड एंगल ये दोनों यूनिटलेस नहीं हैं जबकि ये डायमेंशनलेस हैं। ठीक, ये जो यूनिट यूज किए जाते हैं रेडियन और स्टेरेडियन, इनको कहा जाता है पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट। बच्चों वीडियो नंबर फर्स्ट के स्टार्टिंग में जब हम आपको यूनिट पढ़ा रहे थे तो तीन तरह के यूनिट समझाए होंगे, एक यूनिट था फंडामेंटल यूनिट मूल मात्रक, एक यूनिट था डिराइव्ड यूनिट व्युत्पन्न मात्रक, एक सप्लीमेंट्री नाम लिए होंगे पूरक मात्रक। आज जा करके आपको हम समझाए कि पूरक मात्रक किसे कहते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन ये दो पूरक मात्रक हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। ठीक, ये ऐसे क्वांटिटीज़ हैं एंगल और सॉलिड एंगल जिनके यूनिट हैं लेकिन डायमेंशनल फार्मूला इनका नहीं है। तो बच्चों ये पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम आपको कुछ ऐसे सवाल बताने चल रहे हैं जो करंटली रिसेंटली पूछा गया है एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जिससे कम से कम आपके दिमाग में जो एक गलत धारणा बनी हुई है, गलत परसेप्शन बना हुआ है कि 11th को ना पढ़ा जाए, 12th को ही पढ़ लिया जाए तो बोर्ड एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात सही है कि अगर आप 12th को ही पढ़ोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम पास कर सकते हो, अगर पास करना उद्देश्य है तो ये थ्योरी सही है। लेकिन जिन बच्चों का उद्देश्य थोड़ा सा बड़ा है, जो बच्चे बड़ा करना चाहते हैं अपने लाइफ में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं, उनके लिए थ्योरी सही नहीं है, क्योंकि 40% ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो फर्स्ट ईयर को टच करते हैं, फर्स्ट ईयर के सिद्धांत का यूज करके बनाए जाते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर को क्लियरली नहीं पढ़े हो तो उन क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे जो कंपटीशन में आए हुए हैं। इसलिए उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, और उन बच्चों के साथ साथ ऐसे उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट है जो फर्स्ट ईयर को एकदम से इग्नोर करते हैं और बाद में कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जाते हैं, फिर से यहीं से शुरू करते हैं पढ़ना, तो वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है कि ये तो छोड़ करके आए हैं पढ़े हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपका एम क्लियर है और आप बड़े कोचिंग बड़े कंपटीशन की तरफ जा रहे हो तो फर्स्ट ईयर को भी सीरियसली लेना शुरू करना, फर्स्ट ईयर को भी पढ़ना शुरू करना, उतने ही शिद्दत से पढ़िएगा जितने शिद्दत से आप सोच रहे हो कि हम क्लास 12 के सिद्धांतों को पढ़ेंगे, क्लास 12 के फार्मूलों को पढ़ेंगे, क्लास 12 के न्यूमेरिकल्स को हैंडल करेंगे। प्यारे बच्चों पहला जो क्वेश्चन हम लेने चल रहे हैं वो पूछा गया है नीट 2016 में, क्वेश्चन बड़ा आसान है, एच प्लैंक कांस्टेंट, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तीन कांस्टेंट है जो सभी बच्चे जानते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इन तीनों कांस्टेंट के टर्म में आपको लेंथ का फार्मूला निकालना है, लेंथ के लिए सूत्र निकालना है, यानी कि लेंथ का ऐसा फार्मूला आप निकालो जिसमें एच आता हो, जी सी आता हो और जी आता हो। तो जो बच्चे जानते हैं फार्मूले का डेरिवेशन यूज नंबर 2, वो इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार चलो हम लोग फिर से दोहराते हैं और कंपटीशन के इस सवाल को लगाते हैं। इसके लिए हमको इन तीनों का यूनिट पता होना चाहिए, अगर आपको यूनिट याद है तो आप यूज करो, नहीं याद है तो आप कैलकुलेट करो इनके यूनिट को। तो आप जानते हो कि डायमेंशनल फार्मूला हम फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, एच इक्वल टू हो जाएगा ई बाई न्यू, एनर्जी होता है एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, फ्रीक्वेंसी का टी टू द पावर माइनस वन, टी टू द पावर माइनस वन ऊपर ले जाओगे प्लस वन हो जाएगा। तो H के लिए डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस वन, वेलासिटी किसी भी चीज़ का हो एल टी टू द पावर माइनस वन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप जानते हो फार्मूला ये भी, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, देयर फोर जी इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू। तो G के लिए डायमेंशनल फार्मूला निकलेगा एम एल स्क्वायर, सॉरी एम एल टी पावर माइनस टू, ये फोर्स का हो गया, एल स्क्वायर बाई एम इन टू एम, तो एम स्क्वायर एक एम से एक एम कैंसल, एम पावर माइनस वन एल क्यूब टी पावर माइनस टू, ये हो गया
एम पावर माइनस वन एल क्यूब टी पावर माइनस टू जी के लिए डायमेंशनल फार्मूला। हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको लेंथ का ऐसा फार्मूला कैलकुलेट करना है जिसमें एच आए, सी आए और जी आए। तो चलो यूज नंबर टू, मेथड नंबर टू का यूज करते हैं। लेंथ का फार्मूला कैलकुलेट करना है एच के टर्म पे, सी के टर्म में और जी के टर्म में। पावर एक्स वाई जेड लिख लिया गया क्योंकि ए बी सी लिखेंगे तो सी यहाँ पर यूज कर लिया गया। इक्वल कर लो एच पावर एक्स, सी पावर वाई, जी पावर जेड, दोनों साइड के डायमेंशनल फार्मूले को लिखो। एल के तो डायमेंशनलेस है, एच की जगह पर एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस वन एल टी टू द पावर माइनस वन और जी हो जाएगा एम पावर माइनस वन एल पावर थ्री टी पावर माइनस टू। सबको एक साथ लिखा जाए तो एम पावर एक्स एल पावर टू, पावर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं पावर में, टी टू द पावर माइनस एक्स, एल टू द पावर वाई, टी टू द पावर माइनस वाई, एम टू द पावर माइनस जेड, एल टू द पावर थ्री जेड और टी टू द पावर माइनस टू जेड। एम दो जगह पर है तो पावर हो जाएगा एक्स माइनस जेड, एल तीन जगह पर है, टू एक्स है प्लस वाई है प्लस थ्री जेड है, टी दो जगह पर है माइनस एक्स है और माइनस वाई है और माइनस टू जेड है। इधर तीन फिजिकल क्वांटिटी एम एल टी यूज है और इधर केवल यह लिखा हुआ है। तो टी नहीं है, टी का पावर जीरो, एम नहीं है, एम का पावर जीरो। इस तरह से लिखने से पावर का तुलना करना, पावर का कंपेरिजन करना इजी हो जाता है। तो एम का पावर एक्स माइनस जेड, इधर एम का पावर जीरो, इक्वेशन नंबर थ्री। एल का पावर टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड, इधर एल का पावर वन, इक्वेशन नंबर फोर। टी का पावर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस टू जेड, इधर टी का पावर जीरो। इनको साल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। जरा इक्वेशन नंबर फोर और इक्वेशन नंबर फाइव को ऐड कर दो, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, टू एक्स में से एक एक्स निकाल दोगे तो बचेगा एक्स, थ्री जेड माइनस टू जेड ऐड करोगे तो प्लस जेड इज इक्वल टू वन, इक्वेशन नंबर सिक्स। इक्वेशन नंबर थ्री और सिक्स को चलो ऐड करो, थ्री प्लस सिक्स तो प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा, टू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वन, इसलिए एक्स इक्वल टू वन बाई टू, एक्स की वैल्यू मिल गई। इस एक्स की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर थ्री में रख लो, फ्रॉम थ्री वन बाई टू माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, देयर फोर जेड इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाई टू। अब बचा है वाई, इसके लिए इक्वेशन फाइव या फोर किसी का यूज कर लो। मान लो इक्वेशन नंबर फाइव में हम वैल्यू रखने चल रहे हैं तो माइनस वन बाई टू माइनस वाई माइनस टू, जेड की वैल्यू हो जाएगा वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो, टू से टू कैंसिल, माइनस वन बाई टू माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, माइनस वाई माइनस थ्री बाई टू इक्वल टू जीरो, माइनस वाई इक्वल टू थ्री बाई टू, देयर फोर वाई इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। अब आप चाहो कि एक्स वाई जेड ये जो वैल्यू निकली है वो सही निकली या गलत निकली है, इक्वेशन नंबर फोर में रख करके चेक भी कर सकते हो। इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर टू या इक्वेशन नंबर वन में रख दें तो लेंथ का फार्मूला मिल जाएगा। तो एल इक्वल टू हो जाएगा इक्वेशन नंबर टू से के एच टू द पावर एक्स, एच टू द पावर एक्स, एक्स की वैल्यू वन बाई टू, सी टू द पावर वाई, वाई की वैल्यू है माइनस थ्री बाई टू, और जी टू द पावर जेड, जेड की वैल्यू है, जेड की वैल्यू वन बाई टू। पावर आप माइनस लिखते नहीं हो तो एच टू द पावर वन बाई टू, जी टू द पावर वन बाई टू बाई सी टू द पावर थ्री बाई टू। इतना हमको याद है कि आपको हम समझा चुके हैं कि वन बाई टू अगर पावर लिखा है इट मीन्स अंडर रूट, ठीक। तो एच का पावर वन बाई टू लिखा है तो ये अंडर रूट हो जाएगा, जी का पावर वन बाई टू लिखा है ये अंडर रूट हो जाएगा, सी का पावर थ्री बाई टू लिखा है तो वन बाई टू की जगह पर आप लिखोगे अंडर रूट, सी पावर थ्री बच जाएगा। ये लेंथ के लिए फार्मूला हो गया। अब अगर ऑब्जेक्टिव का जो आंसर दिया हुआ है उसमें के ना लिखा हो तो इट मीन्स के की वैल्यू वन होगी, के लिखा होगा तो के साथ आप आंसर देना। तो एच सी और जी के टर्म में हम लेंथ का फार्मूला फाइंड आउट कर लिए। बच्चों ये क्वेश्चन था 2016 नीट में, और यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है जेई मेन में 2019 में, जेई मेन।
तो ये नहीं कहा जा सकता है कि क्वेश्चन आते नहीं फर्स्ट ईयर से। बस अंतर क्या था कि इसमें जो क्वेश्चन अभी आप नोट कर रहे होगे या देख रहे होगे, वो पूछा गया है लेंथ के टर्म में या लेंथ के लिए वैल्यू निकालने के लिए कहा है। जो जेई मेन में पूछा गया उसमें कह रहा है एच सी जी है तो टी के लिए फार्मूला कैलकुलेट करो। बच्चों ये हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि यही फार्मूला है, एच के टर्म में, सी के टर्म में, जी के टर्म में टाइम निकालना है। ठीक, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये 2019 जेई मेन का क्वेश्चन है। ठीक, एक क्वेश्चन बच्चों और देखते हैं, इसको हम मिटाने चल रहे हैं। यदि क्वेश्चन है सी जी और ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको शायद आप लोग जो फर्स्ट ईयर में अभी होंगे वो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जो सेकेंड ईयर के होंगे वो जो देख रहे होंगे क्लास 12 के बच्चे, वो इस फार्मूले को जानते होंगे कहाँ से आए हैं। कह रहा है कि अगर सी जी और ई स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट ये तीन फिजिकल कांस्टेंट हैं, नियतांक हैं, तो आप लेंथ के लिए फार्मूला निकालो। एक ही तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों, ठीक, लेंथ के लिए फार्मूला, लेकिन किसके टर्म में, सी जी और ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में निकालने हैं। ठीक, इसमें से सी तो आप जानते हो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला एल टी टू द पावर माइनस 1 होगा। जी का तो अभी निकाला गया है जिसका डायमेंशनल फार्मूला था एम पावर माइनस 1 एल क्यूब और टी टू द पावर माइनस 2। ठीक, इसका डायमेंशनल फार्मूला याद नहीं है, इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको कैलकुलेट करना होगा, तो इसके लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये जो है वो कूलम्स ला का फार्मूला है। ठीक, कूलम्स ला कहता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, चाहे वो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, रिपल्सन हो या अट्रैक्शन हो, उसके फार्मूला है 1/4πε0Q1Q2 आर स्क्वायर और ई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो ई में ई का मल्टीप्लाई करोगे ई स्क्वायर आ जाएगा। तो 1/4πε0 दो इलेक्ट्रॉन अगर हो आर डिस्टेंस पर तो फोर्स के लिए फार्मूला हो जाएगा। आपको किसका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है, ई स्क्वायर बाय 4πε0 का, तो ई स्क्वायर बाय 4πε0 हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर, इसलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल टी पावर माइनस 2 एल स्क्वायर हो गया एम एल पावर 3 टी पावर माइनस 2, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया एम एल पावर 3 टी पावर माइनस 2। कैलकुलेट किसका करना था, किसके लिए फार्मूला कैलकुलेट करना था, लेंथ के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेंथ प्रोपोर्शनल है सी पर जी के लिए ई स्क्वायर बाय 4πε0, इसमें भी सी यूज है तो एक्स वाई और इस पूरे का पावर जेड, एल के सी पावर एक्स जी पावर वाई ई स्क्वायर बाय 4πε0 होल टू द पावर जेड, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। दोनों साइड का आप लिखो डायमेंशन फार्मूला, लेंथ का हो गया के तो डायमेंशन लेस है, वेलोसिटी ऑफ लाइट एल टी टू द पावर माइनस 1 एक्स जी एम पावर माइनस 1 एल पावर 3 टी पावर माइनस 2 वाई और ई स्क्वायर बाय 4πε0 का निकला हुआ है एम एल क्यूब टी पावर माइनस 2 होल टू द पावर हो जाएगा जेड। सबको एक साथ चलो लिखा जाए, एल पावर एक्स टी पावर माइनस एक्स एम टू द पावर माइनस वाई एल टू द पावर 3 वाई टी टू द पावर माइनस 2 वाई एम टू द पावर जेड एल टू द पावर 3 जेड टी टू द पावर माइनस 2 जेड। तो कलेक्ट करो, एम देखो दो जगह पर लिखा गया होगा, एम पावर माइनस वाई और एम टू द पावर जेड, तो हो जाएगा एल इक्वल टू एम टू द पावर माइनस वाई प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड। यल देखो एक्स है 3y है 3z है, तो एल पावर एक्स प्लस 3y और प्लस 3z टी टू द पावर माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z। एक बार देख लो कुछ छूटा ना हो, यम टू द पावर कहाँ है माइनस वाई प्लस जेड
एल टू द पावर एक्स, एल टू द पावर थ्री वाई, एल टू द पावर थ्री जेड, टी टू द पावर माइनस एक्स, टी टू द पावर माइनस वाई, टी टू द पावर माइनस टू जेड। इधर एम पावर जीरो लिखना होगा क्योंकि नहीं है, टी टू द पावर जीरो लिखना होगा, ये सब आप जानते हो। माइनस वाई प्लस जेड, एल पावर हो गया एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड, टी टू द पावर माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड। कंपेयर करो पावर का तो माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर थ्री। एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू वन, इक्वेशन नंबर फोर। माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फाइव। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को फोर और फाइव को ऐड कर दें तो देखो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो फोर प्लस फाइव दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो थ्री वाई में माइनस टू वाई ऐड करोगे वाई बचेगा, थ्री जेड में टू जेड माइनस टू जेड ऐड करोगे तो जेड होगा, इक्वल टू वन, इक्वेशन नंबर सिक्स। थ्री और सिक्स को चलो ऐड करो, तो थ्री और सिक्स को ऐड करोगे, इक्वेशन नंबर थ्री और सिक्स को, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, टू जेड इज इक्वल टू वन, देयर फोर जेड इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाई टू। जेड की वैल्यू मिल गया, जेड की वैल्यू इक्वेशन नंबर थ्री में रख दो तो माइनस वाई प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो, देयर फोर माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन बाई टू, वाई इक्वल टू वन बाई टू। जेड कैलकुलेट हो गया, वाई कैलकुलेट हो गया, एक्स बाकी है। इक्वेशन नंबर फाइव का यूज कर लो या फोर का यूज कर लो, जिसमें आप रखना पसंद करो। माइनस एक्स माइनस टू वाई, वाई की जगह वन बाई टू रखोगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा। माइनस टू जेड, जेड की जगह वन बाई टू रखोगे टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वन इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू। इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर टू में रख दें तो क्या मिलेगा हमको फार्मूला, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एल इक्वल टू के सी टू दी पावर एक्स, एक्स एक्स की वैल्यू माइनस टू, जी टू दी पावर वाई, वाई की वैल्यू वन बाई टू, और ई स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इसका पावर जेड की वैल्यू वन बाई टू। ठीक, चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, के बाई सी स्क्वायर, पावर नीचे हो गया, इसको अंडर रूट में भी लिखा जा सकता है। अंडर रूट ये यहाँ पर है जी, और ई स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो क्वेश्चन था बच्चों, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2017 में, 2017 में। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये देखो कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ, बोर्ड एग्जाम तो चलो छोड़ो कि बोर्ड में तो आता ही नहीं है क्लास अलेवेंथ की चीज़ें, लेकिन क्लास ट्वेल्व में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तो आधारित होंगे इसी पर ना, इसलिए पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। और कंपटीशन में भी आते हैं, जिसका प्रमाण ये तीन चार क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन बच्चे जरूर करिएगा। ठीक प्यारे बच्चों, हो सकता है थोड़ा सा बारिश हो रहा है, उसका आवाज़ आपको आ रही हो, माफ़ करिएगा, उस पर मेरा नियंत्रण नहीं है। ठीक है, पढ़िएगा मन से। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें हम आपको ये समझाना चाहेंगे कुछ बेसिक मैथ, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक, कुछ कोऑर्डिनेट। प्यारे बच्चों ये बहुत ज़रूरी होता है किसी फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कभी कभी कुछ फार्मूले के डेरिवेशन में इनका यूज होता है। तो अगले वीडियो जो होंगे वो मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे, जिनके लिए इंतज़ार करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।